नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। गुना बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नया गांव के ग्राम आटा खेड़ी में आजादी के समय से बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाकर जीवन यापन कर रहे आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश भारी लोगों द्वारा उन्हें परेशान कर की जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को 50 से अधिक ग्रामीण आदिवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर फरारी पट्टे के बजाय स्थायी पट्टे देने की मांग की। बताया जा रहा है कि रियासत काल में डाकुओं को आत्मसमर्पण के बदले सरकार द्वारा पट्टे दिए गए थे, लेकिन वे लोग आज तक है और उक्त भूमि पर काबिज नहीं है। उक्त लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनकी भूमि कहां पर स्थित है। ज्ञापन में बताया गया है कि सुभरन पुत्र वीदिया भूमि सर्वे नंबर 10/1/15, ज्ञान सिंह पुत्र रामचरण भूमि सर्वे नंबर 10/1/1, मोती पुत्र गेदिया जाति बारेला भूमि सर्वे नंबर 10/7, प्रताप सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत भूमि सर्वे नंबर 10/1/23, बाबू खां पुत्र पाना खां भूमि सर्वे नंबर 10/1/19, रामू बाबा पुत्र मुन्ना सिंह जाति रावत भूमि सर्वे नंबर 1/1/17 के नाम से फरारी पट्टे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन पट्टेधारक जमीन पर काबिज नहीं है। इसके बावजूद भी भिंड मुरैना दतिया के लोग आकर धमकी देते हैं कि यह जमीन हमारी है, जबकि वास्तविकता यह है कि आटाखेड़ी गांव में पटेलिया आदिवासी समाज आजादी के समय से यहां रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आप आज जनसुनवाई में आवेदन देने आए थे, क्या कहा फिर साहब? हम कलेक्टर साहब को मिले हैं, कलेक्टर साहब को आवेदन भी दिया है, कलेक्टर साहब ने बोला है जांच में लिया है, मैं इसको दिखवाता हूँ। वरना जो हम 25 से 60 वर्षों से पीड़ित हैं, ये लोग आके डराते धमकाते रहते हैं, डाकू के नाम से जो है इनके नाम भी नाम दर्ज है, इनके पट्टे भी हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं हमारी ज़मीन है या हमें पैसे दे दो या फिर जो हमें ज़मीन छोड़ो हम आपको भगाएंगे, इस तरह का है। तो हम पूरे आदिवासी लोग जो है पूरे गाँव के आज इकट्ठे होके आए हैं और कई बार पहले भी जो है गुहार लगा चुके हैं शासन को। आज से 10 साल पहले शासन उनके पास आए थे, जब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी फाइल हमने भोपाल भेज दी गई है, उनके पट्टे खारिज करवा दिए जाएंगे और आपको पट्टे दे दिए जाएंगे, उस चीज़ की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी हम आज हमारे माननीय महोदय मंत्री जी से भी मिलने आए थे, माननीय कहीं दौरे पर चले गए, उनसे भी मिलेंगे, आशा करते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कई सालों से निरंतर चलता आ रहा है, काम हुआ नहीं है। और ये लोग जो है अगर इस तरह का वो रोज़ परेशान करने आएंगे तो हम लोगों को आत्महत्या करने अलावा और कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए जो है शासन से गुहार लगा रहे हैं, इन लोगों को पट्टे खारिज करें और हम लोगों को पट्टे बना के दे दिए जाए। कौन लोग हैं जो आपको धमकाते हैं? ये डाकू के नाम से है, कहीं दतिया से आते हैं, कहीं डबरा से आते हैं, कहीं मुरैना से आते हैं। उन्हें यहाँ बुलाता कौन है? अब ये जो है ये बुलाने वाला कोई ना कोई जो होंगे, वो लोग जो है वो जो वास्तविकता डाकू है ना, वो है ना उसके लड़के हैं, और कोई नाम से ही बने आते हैं, हमने कभी ओरिजिनल आदमी वहाँ देखे नहीं। ज़मीन हमने जंगल झाड़ी काट के हम लोगों ने, हमारे पिताजी उन्होंने ही बनाई सब ज़मीन, कभी उन लोगों का यहाँ ना निवास करते थे, लेकिन ये कागज़ में जो रिकॉर्ड में नाम है उनके नाम से वो चले आते हैं, कहीं दतिया से, कहीं डबरा से, कहीं मुरैना से, कहीं भिंड से। तो पथरीली ज़मीन को आपने उपजाऊ बनाया है? उपजाऊ बनाया है। आपका कब्जा कितने वर्षों से है? 60 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण सिंह पटेल। गुना से खबर समय जगत के लिए संतोष ओझा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।